अगर आप एक गूगल अकाउंट यूज करते हैं तो इस वक्त आपको सावधान होने की सख्त जरूरत है, क्योंकि आपका गूगल अकाउंट 1 दिसंबर 2023 के बाद डिलीट हो सकता है और इसी वजह से सभी यूट्यूबर्स को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब आपका गूगल अकाउंट किन कंडीशंस में डिलीट हो सकता है, आप अपने गूगल अकाउंट को डिलीट होने से कैसे बचा सकते हैं और यूट्यूबर्स को इस वजह से नुकसान क्यों झेलना पड़ेगा, ये सभी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। इसे वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों जल्दी शुरू करते हैं आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगमोहन और आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंडोला। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने टेक्निकल हिंडोला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। दोस्तों गूगल अपनी इनएक्टिव गूगल अकाउंट पॉलिसी के तहत सभी इनएक्टिव गूगल अकाउंट्स को 1 दिसंबर 2023 से कंप्लीटली डिलीट करने जा रहा है, जिसमें आपके गूगल अकाउंट का डेटा भी डिलीट कर दिया जाएगा। एक गूगल अकाउंट के जरिए आप एक ही यूजर नेम और पासवर्ड का यूज करके गूगल के ज्यादातर प्रोडक्ट्स जैसे कि यूट्यूब, जीमेल, गूगल एड्स को कंप्लीटली पूरी तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर आपने अपने गूगल अकाउंट को पिछले 2 साल में किसी भी तरीके से यूज नहीं किया है तो गूगल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका गूगल अकाउंट इनएक्टिव हो चुका है और इस कंडीशन में गूगल अपनी इनएक्टिव गूगल अकाउंट पॉलिसी के तहत आपका गूगल अकाउंट उसकी एक्टिविटी और डेटा को डिलीट करने का अधिकार रखता है। लेकिन ये पॉलिसी केवल आपके पर्सनल गूगल अकाउंट पर ही एप्लीकेबल होती है और उन गूगल अकाउंट्स पर यह पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होती जो आपके वर्कप्लेस, स्कूल या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आपके लिए क्रिएट किए गए हों। अब जो एक्टिविटीज मैं बताने जा रहा हूं, अगर उनमें से कोई एक एक्टिविटी भी आपने अपने गूगल अकाउंट पर पिछले 2 साल में की है तो आपका गूगल अकाउंट एक्टिव माना जाएगा, और अगर आपने उनमें से कोई एक भी एक्टिविटी अपने गूगल अकाउंट पर पिछले 2 साल में नहीं की तो आपका गूगल अकाउंट इनएक्टिव माना जाएगा। तो चलिए फटाफट जानते हैं कि वो एक्टिविटीज क्या है। नंबर 1, रीडिंग और सेंडिंग ईमेल्स। मतलब पिछले 2 साल में अगर आपने अपने गूगल अकाउंट से एक भी ईमेल रीड की हो या फिर सेंड की हो। नंबर 2, यूजिंग गूगल ड्राइव। पिछले 2 साल में अगर आपने अपने गूगल अकाउंट से गूगल ड्राइव को यूज किया हो। नंबर 3, वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो। पिछले 2 साल में अगर आपने अपने गूगल अकाउंट से एक भी यूट्यूब वीडियो देखी हो। नंबर 4, शेयरिंग अ फोटो। पिछले 2 साल में अगर आपने अपने गूगल अकाउंट से एक भी फोटो शेयर की हो। नंबर 5, डाउनलोडिंग एन ऐप। पिछले 2 साल में अगर आपने अपने गूगल अकाउंट से प्ले स्टोर पर लॉग इन कर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड की हो। नंबर 6, यूजिंग गूगल सर्च। पिछले 2 साल में अगर आपने अपने गूगल अकाउंट से गूगल पर कुछ भी सर्च किया हो। नंबर 7, यूजिंग साइन इन विद गूगल टू साइन इन टू अ थर्ड पार्टी ऐप और सर्विस। पिछले 2 साल में अगर आपने अपने गूगल अकाउंट के थ्रू किसी थर्ड पार्टी ऐप या सर्विस पर साइन इन किया हो। तो अगर आपने अपने गूगल अकाउंट से पिछले 2 साल में इनमें से कोई भी एक्टिविटी की है तो आपका गूगल अकाउंट एक्टिव माना जाएगा और गूगल उसे डिलीट नहीं करेगा। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि गूगल आपको बिना बताए आपका अकाउंट और डेटा डिलीट नहीं कर सकता, इसलिए जिन लोगों का गूगल अकाउंट इनएक्टिव हो चुका है उन लोगों का अकाउंट डिलीट करने से पहले गूगल उन्हें ईमेल नोटिफिकेशन सेंड करेगा, ताकि वो लोग अपने गूगल अकाउंट पर कोई एक्टिविटी करके अपने गूगल अकाउंट को एक्टिव कर सकें और उसे डिलीट होने से बचा सकें। इसके अलावा अगर उन लोगों ने अपने गूगल अकाउंट पर कोई रिकवरी ईमेल सेट की हुई है तो उस रिकवरी ईमेल पर भी उनको नोटिफिकेशन सेंड किया जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कि आखिर यूट्यूबर्स पर गूगल के इस स्टेप का क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों देखिए, मान लीजिए मेरा कोई ईमेल अकाउंट है, कोई गूगल अकाउंट है जिसमें मैंने क्रिएट किया, और उसको क्रिएट करने के बाद मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स को उस अकाउंट से सब्सक्राइब किया और फिर मैंने उसे 2-3 साल से भाई देखा ही नहीं है, उसे यूज़ ही नहीं किया मैंने उस अकाउंट को। अब गूगल मेरे उस अकाउंट को डिलीट कर देगा क्योंकि मेरा अकाउंट हो चुका है इनएक्टिव। अब अगर मेरा अकाउंट वो डिलीट हो जाएगा तो उसकी सारी एक्टिविटी, उसका सारा डेटा भी साथ के साथ डिलीट हो जाएगा, यानी कि जिन यूट्यूब चैनल्स को मैंने सब्सक्राइब किया हुआ था उनके सब्सक्रिप्शन भी भैया साथ के साथ चले जाएंगे। मान लीजिए मेरे चैनल को किसी व्यक्ति ने सब्सक्राइब किया हुआ है और उसने अपने गूगल अकाउंट को भैया देखना ही छोड़ दिया, 2 साल से कोई एक्टिविटी की नहीं उस पर, तो उसका गूगल अकाउंट जो है वो इनएक्टिव होने की वजह से डिलीट हो जाएगा। इसके साथ साथ मेरा एक सब्सक्राइबर भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों यूट्यूबर्स के ऊपर इसका ये प्रभाव पड़ेगा कि यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर जो हैं वो कम हो जाएंगे, उनमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।